मूवी के स्टार्ट में हम इंग्लैंड में होने वाली एक चोरी को देखते हैं और ये चोरी एक आर्मी टैंक की मदद से की जा रही थी। हालांकि ये टेक्निक काफी आगे के टाइम की है। ये टैंक एक बैंक में चोरी करने के लिए जा रहा था। बैंक के गार्ड्स इस टैंक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन इसे रोकना उनके लिए इम्पॉसिबल था। ये टैंक बैंक की वॉल्स को तोड़ते हुए लॉकर तक पहुँच जाता है और लॉकर के दरवाजे को टैंक की मदद से तोड़ दिया जाता है। फिर उस टैंक से सोल्जर्स बाहर आते हैं जिनके पास हाई टेक और ऑटोमेटिक गन्स थी और तभी उनका लीडर भी टैंक से बाहर आता है। उनके लीडर का नाम फैंटम था जो उस बैंक से एक सिटी का मैप चुरा लेता है। इंग्लैंड इस चोरी का इल्जाम जर्मनी पर लगाता है। फिर से हम फैंटम को देखते हैं जो जर्मन साइंटिस्ट को किडनैप कर रहा था और इस बार जर्मनी इस किडनैपिंग का इल्जाम इंग्लैंड पर लगाता है। असल में इन कंट्रीज पर अटैक फैंटम कर रहा था लेकिन वो कंट्रीज एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे और इसी वजह से इन कंट्रीज के बीच वॉर भी चली। इसके बाद हम इंग्लैंड के एक एजेंट को देखते हैं जो इंग्लैंड की मदद करने के लिए एक खास मिशन के लिए किसी आदमी से मिलने आया था, हेल्प मांगने आया था। और जिस आदमी से वो मिलने आया था यानी जिससे वो हेल्प मांगने आया था उसका नाम एलन था। असल में एलन पहले इंग्लैंड के लिए ही काम किया करते थे लेकिन इस बार वो इस काम के लिए साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फैंटम के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो एलन को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन एलन बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं इसीलिए वो एलन को नहीं मार पाते। फैंटम जो कि सारे कंट्रीज पर अटैक करवा रहा था और अब एलन इंग्लैंड जाते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं। असल में फैंटम को रोकने के लिए ये आदमी अपने मिशन के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा था और जिस आदमी से भी एलन मिले थे वो इस मिशन का लीडर था। वहीं पर हमें टीम का दूसरा मेंबर भी दिखाया जाता है जो कि कैप्टन होता है। फिर वहीं पर टीम का तीसरा मेंबर भी आ जाता है जिसे हम नहीं देख पाते क्योंकि वो इनविजिबल होता है। एक साइंटिस्ट ने इनविजिबल होने का फॉर्मूला बनाया था और उसके मरने के बाद टीम के इस मेंबर ने उस फार्मूला को खुद पर अप्लाई किया और तभी से वो इनविजिबल होने लग गया। इस इनविजिबल मैन को टीम में इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसमें इनविजिबल होने की पावर जो थी। अब वो सारे लोग चौथे टीम मेंबर का वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और बाकी सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी टीम की मेंबर एक लेडी भी होगी। अब क्योंकि किसी न किसी के पास कोई न कोई एक खूबी थी इसीलिए वो सब चुप थे ये दिखने के लिए कि आखिर इस लेडी के पास कौन सी एबिलिटी है। अब क्योंकि टीम का पांचवा मेंबर वहाँ पर नहीं आया था इसीलिए वो सब लोग उसके पास जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जाने के लिए एक हाईटेक कार का यूज करते हैं यानी वो भी अब से काफी आगे के टाइम की थी और ये कार होती है उस कैप्टन की। कैप्टन की एबिलिटी ये थी कि उसके पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी और अब वो लोग टीम के पांचवे मेंबर के घर पर पहुंच जाते हैं और इस पांचवे मेंबर का नाम था डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे उन लोगों को अंदर नहीं बुला रहा था कि तभी उसके सामने लेडी आ जाती है। तब ग्रे उस लेडी को देखकर उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ग्रे उन्हें बताता है कि मैं आप लोगों के साथ इस मिशन पर नहीं चल सकता लेकिन तभी वहाँ पर फैंटम के सोल्जर्स आ जाते हैं जो उन लोगों को गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पर फैंटम उन सबको अपना मकसद बताता है ये सब कुछ करने का। वो बताता है कि मैं एक वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि लोग एक दूसरे से जंग करें और तब मैं उन्हें अपने ही बनाए गए मॉडर्न वेपन्स को सेल कर सकूं। असल में फैंटम वेपन्स को सेल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था ताकि उसकी वेपन्स की डिमांड बढ़े। तभी हम वहाँ पर एक और लड़के को देख पाते हैं जो फैंटम के सोल्जर्स को रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगता है जिससे वहाँ पर हलचल मच जाती है और लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं और तब एलन और उसकी टीम फैंटम के सोल्जर्स का मुकाबला करके उन्हें मारते जा रहे थे। इस सब के दौरान हम वहाँ पर ग्रे को देखते हैं जो इतनी सारी गोलियां चलने के बावजूद भी वहाँ पर बड़े आराम से घूम रहा था जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, सब कुछ नॉर्मल हो। और तभी बहुत सारी बुलेट्स ग्रे को मार दी जाती हैं लेकिन इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद भी वो नहीं मरता बल्कि गोलियों के निशान भी गायब हो जाते हैं। असल में ग्रे पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। अब वो नया लड़का फैंटम को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अब क्योंकि फैंटम हार गया था इसी वजह से वो और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर छुपा एक सोल्जर बाहर आकर उस लेडी को पकड़ लेता है और उसके गले पर एक नाइफ रख देता है और वो बाकी सबको कहता है कि तुम सब अपने अपने वेपन्स को फेंक दो। ये सुनकर वो सारे लोग ऐसा ही करते हैं, अपने अपने वेपन्स फेंक देते हैं लेकिन तभी वो लेडी मुड़कर उस सोल्जर को काट कर उसका खून पीने लगती है और उसे मार डालती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये लेडी इंसान की शक्ल में एक वेम्पायर है और वो लोग अब से पहले ये बात नहीं जानते थे कि इस लेडी की एबिलिटी ये है कि वो एक वेम्पायर है और उस लेडी की इस खूबी की वजह से वो सब काफी हैरान होते हैं। फिर एलन उस नए लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं लंदन से आया एक एजेंट हूँ। एलन अब इस एजेंट को भी
अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और अब वो सारे लोग अपनी टीम के आखिरी मेंबर को लेने के लिए जा रहे होते हैं और वो लोग कैप्टन की काफी बड़े और मॉडर्न शिप के थ्रू वहाँ पर जा रहे थे। इसके बाद हम एक मॉन्स्टर जैसे इंसान को देखते हैं जो कि भाग रहा था क्योंकि एलन और वो एजेंट उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर जैसा इंसान ही उनकी टीम का आखिरी मेंबर था। फिर वो उसे एक जाल में फंसा कर शिप में ले जाते हैं। तब शिप में बैठे बाकी लोग उसे डरने लगते हैं। तभी एलन उस मॉन्स्टर जैसे इंसान के सामने एक डील रखता है कि अगर तुम हमारी मिशन में हमारा साथ दोगे तो हम वापस तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा देंगे और तुम पर लगे सारे क्राइम्स के इल्जाम को खत्म भी करवा देंगे। और अब वो मॉन्स्टर जैसा इंसान अपना रूप बदल कर इंसान बन जाता है। असल में उसके पास एक ऐसा फॉर्मूला था जिसे पीने के बाद वो कुछ टाइम के लिए अपना रूप बदल सकता है। और अब उनकी टीम में 7 लोग हो गए थे, यानी उनकी टीम अब कम्प्लीट हो गई थी। और अब उन्हें फैंटम के अगले अटैक को रोकना था, क्योंकि वो जानते थे कि फैंटम अपना अगला अटैक पानी पर बनी एक सिटी पर करेगा। और इसी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए फैंटम ने मूवी के स्टार्ट में उस सिटी का मैप चुराया था उस बैंक से। इसके बाद एलन और उसकी टीम तेजी से उस सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शिप के कैप्टन रूम से थोड़ा सा गन पाउडर मिलता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो शिप से एक बॉल को काफी माइल्स दूर फेंक कर निशाना लगाते हैं। एलन इस काम में एक्सपर्ट थे, हालांकि ऐसा करना काफी मुश्किल था। और अब एलन अपनी टीम के उस मेंबर यानी एजेंट को ऐसा करने के लिए बोलते हैं। वो उस एजेंट को कुछ माइल दूर गिरी बॉल पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो एजेंट बगैर कुछ सोचे समझे निशाना लगा देता है जिससे उसका निशाना छूट जाता है। फिर वो लेडी उस गन पाउडर को चेक कर रही थी जो कि कैप्टन रूम से मिला था, और तभी वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है। तब वो लेडी उसे बताती है कि ये पाउडर असल में कैमरा की फ्लैश से निकलता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कैप्टन की आइडियाज उनकी साइंस को चुराना चाह रहा है कि वो हाईटेक चीजें कैसे बना लेते हैं। लेकिन ग्रे उस लेडी को बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे। फिर हम उस मॉन्स्टर जैसे इंसान को देखते हैं जो अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो अपने फार्मूला की बॉटल्स को चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि फार्मूला की एक बॉटल गायब है। फिर वो मॉन्स्टर जैसा इंसान सबको बताता है कि मेरी फार्मूला की एक बॉटल मिसिंग है और मुझे लग रहा है कि वो उस इनविजिबल मैन ने चुराई है। और वो इनविजिबल आदमी काफी देर से गायब है और हमें नजर भी नहीं आया। फिर ये लोग उसी सिटी में पहुँचते हैं जो कि पानी के ऊपर था, जहाँ पर फैंटम अटैक करने वाला था। वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द फैंटम की लगाई गई बॉम्ब का पता लगवाना था। जैसे ये लोग अपने शिप से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये सिटी पानी के ऊपर बनाया गया था, इसीलिए एक बिल्डिंग के टूटने की वजह से बाकी सारी बिल्डिंग्स भी टूटने लगती हैं। तब एलन कहते हैं कि अगर हम इस सिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए जो कि टूट रही है, ताकि उसके साथ जुड़ी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो ना टूट जाए। फिर वो एजेंट कैप्टन की गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। तब एलन ग्रे और वो लेडी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो कैप्टन को कहते हैं कि तुम हमारी गाड़ी पर नजर रखना और हमारे इशारा करने पर मिसाइल फायर कर देना, जिससे वो बिल्डिंग टूट जाएगी और बाकी सारा सिटी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। और अब वो लोग गाड़ी के जरिए टूटी हुई बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही फैंटम के सोल्जर्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। और तब उन्हें रोकने के लिए ग्रे गाड़ी से उतर जाता है और उसके साथ साथ वो लेडी भी गाड़ी से उतर जाती है। यहाँ पर वो लेडी एलन और उस एजेंट के लिए रास्ते को साफ कर रही थी। फिर वो एजेंट टूटी हुई बिल्डिंग के पास पहुँच कर सिग्नल देता है, जिससे वो कैप्टन मिसाइल फायर कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग टूट जाती है जो कि पहले से ही टूट रही थी, और बाकी सारा शहर बच जाता है। तभी एलन को फैंटम दिखाई देता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। फिर फैंटम एक अजीब सी जगह पर जाकर छुप जाता है और वो छुप कर ही एलन को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने कैसे अपनी गलती की वजह से अपने ही बेटे को खो दिया। ये सुनकर एलन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे उस जासूस के बारे में जानता हूँ जिसे तुमने हमारी टीम में भेजा था। जिस पर फैंटम कहता है कि तुम क्या समझते हो कि वो इनविजिबल आदमी मेरा जासूस है, बिल्कुल गलत। फिर हमें कैप्टन के शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रे कैप्टन के साथी पर गोले चला देता है। मतलब वो इनविजिबल आदमी धोखेबाज नहीं था, बल्कि ग्रे धोखेबाज था। इसके बाद एलन अपनी टीम के पास जाते हैं और उन्हें काफी बड़े राज की बात बताते हैं कि जो फैंटम है असल में वो कोई और नहीं बल्कि इसी मिशन के लीडर हैं जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। अब उनका सारा मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उनके सभी साथी तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ग्रे और वो इनविजिबल आदमी वहाँ पर नहीं थे। तभी कैप्टन का वो साथी जिस पर ग्रे ने गोली चलाई थी, वो जख्मी हालत में बाहर आता है और वो सबको बताता है कि धोखेबाज जिसने हमें धोखा दिया है वो कोई और नहीं बल्कि ग्रे है, और वो इनविजिबल आदमी नहीं है। ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी उस शिप से एक सबमरीन बाहर आती है और उस सबमरीन में ग्रे बैठा हुआ था, जो कि वहाँ से भाग जाता है। फिर बाकी सब लोग भी उस शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस बात को समझना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था कि मिशन के जिस लीडर ने उन्हें यहाँ पर भेजा था फैंटम को रोकने के लिए, वो ही फैंटम है। और तभी उस शिप से किसी चीज की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। तभी कैप्टन का एक साथी वहाँ पर एक फाइल लेकर आता है और बताता है कि आवाज इसमें से आ रही है। उस फाइल के अंदर
अंदर एक रिकॉर्डिंग थी जो कि मिशन की लीडर और ग्रे की थी, जिसमें ग्रे कहता है कि अब तो आप लोग जान चुके होंगे कि मैं अपनी कंट्री के लिए लॉयल नहीं हूं, क्योंकि मिशन के लीडर ने एक खास चीज के बदले मेरी वफादारी को खरीद लिया है। फिर उसी रिकॉर्डिंग में मिशन का लीडर बोलता है कि अब तक आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक धोखा था, और आप लोगों को इस मिशन में इसीलिए लगाया, काम में इसीलिए उलझा कर रखा ताकि हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में एक यूनिक किस्म का वेपन लाने वाला हूं, और वो वेपन आप सब लोगों की पावर्स और एबिलिटीज को मिलाकर बनाया गया है, और ग्रे यहां पर इसीलिए आया था ताकि वो उन सब की पावर्स और एबिलिटीज को इकट्ठा कर सके, जैसे उस कैप्टन की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उस लेडी की वैम्पायर होने की पावर्स, और इनविजिबल आदमी के गायब होने का राज, और उस मॉन्स्टर जैसे इंसान के मॉन्स्टर बनने का फार्मूला भी शामिल थे, और मैं इन सबको मिक्स करके एक वेपन बनाऊंगा, एक आर्मी बनाऊंगा जो आने वाले टाइम को बिल्कुल बदल कर रख देगी। फिर मिशन का लीडर उनसे कहता है कि आप सब लोग ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, और आप तो मुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने आपके शिप में एक बॉम्ब लगाया हुआ है जो कि 10 सेकंड में फट जाएगा, और तुम सबके सब इस शिप के साथ डूबने से मर जाओगे, और फिर 10 सेकंड के बाद उस शिप में ब्लास्ट हो जाता है, और शिप के जिस हिस्से में ब्लास्ट हुआ था वहां से पानी अंदर आने लगता है, जिस पर वो कैप्टन कहता है कि हमें शिप को डूबने से बचाने के लिए इसके आधे हिस्से को ब्लॉक करना होगा ताकि पानी पूरे शिप में ना भर जाए। वो लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो मॉन्स्टर जैसा इंसान आ जाता है, और वो खुद अंदर कूद कर दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है, और अंदर जाकर वो अपना फॉर्मूला पी लेता है, और ऐसा करने के बाद वो पानी बाहर निकालने वाले लीवर को खींच देता है, जिससे शिप का सारा पानी बाहर निकल जाता है और उन लोगों की जान बच जाती है। तभी कैप्टन का एक साथी बताता है कि हमें एक लोकेशन से सिग्नल मिल रहा है, और ये वो लोकेशन है जहां पर वो इनविजिबल आदमी है, और उस इनविजिबल आदमी का कहना है कि मैं ग्रे और उस मिशन के लीडर के शिप में छुपा हुआ हूं, और वो इनविजिबल आदमी उन्हें ग्रे और मिशन के लीडर की लोकेशन भी बता देता है। फिर वो लोग अपने शिप को रिपेयर करके इनविजिबल आदमी की बताई गई लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो सब लोग बर्फीली पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वहां पर बर्फ होने की वजह से उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ना था, फिर उन लोगों को मिशन के लीडर की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो लोग उस इनविजिबल आदमी का वेट करने लगते हैं, क्योंकि वो ही इस लोकेशन के बारे में सही सही जानता था। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वहां पर वो इनविजिबल आदमी आ जाता है, और वो सबको बताता है कि मैं जानता हूं कि शिप में आप लोगों को मुझ पर ही शक था, इसीलिए मुझे ये लगा कि मेरा गायब होना ही ठीक होगा। और फिर वो इनविजिबल आदमी उस लोकेशन के बारे में बताने लगता है कि फैंटम ने उन सारे मॉडर्न वेपन्स को बनाने के लिए सोल्जर्स को भी किडनैप किया था, और उन सोल्जर्स के मना करने पर उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा था, और इसी वजह से सोल्जर्स को फैंटम के लिए काम करना पड़ रहा है। फिर वो सब प्लान बनाते हैं कि वो लेडी ग्रे को संभालेगी, जबकि कैप्टन और मॉन्स्टर जैसा इंसान कैदियों को छुड़वाएंगे। फिर एलन कहते हैं कि मैं और एजेंट फैंटम का मुकाबला करेंगे, और वो इनविजिबल आदमी इस बिल्डिंग को उड़ाने के लिए बॉम्ब सेटअप करेगा। इसके बाद हम मिशन के लीडर और ग्रे को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो दोनों आखिर साथ क्यों थे, क्योंकि मिशन के लीडर ने ग्रे की एक पेंटिंग चुराई हुई थी, और ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी, बल्कि इस पेंटिंग की वजह से ही तो ग्रे इमॉर्टल था, और ग्रे को सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है कि उसकी पेंटिंग को उसके सामने लाया जाए, जिससे ग्रे का मैजिक खत्म हो जाएगा और वो मारा जाएगा। फिर वो सब लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। वो इनविजिबल आदमी सारे बॉम्ब्स को सही सही जगह पर लगा देता है, जबकि कैप्टन और मॉन्स्टर जैसे इंसान कैदियों को आजाद करवाने लगते हैं। और तभी वहां पर उस मॉन्स्टर जैसे इंसान का फॉर्मूला पिया हुआ एक और बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, और वो कैप्टन और उस मॉन्स्टर जैसे इंसान को मारने लगता है, और बड़ी मुश्किल से वो दोनों उस मॉन्स्टर को मार पाते हैं, जबकि उस लेडी और ग्रे की फाइट चल रही थी। अब क्योंकि वो दोनों ही इमॉर्टल थे, इसीलिए कुछ देर उनकी फाइट चलती रहती है, लेकिन तभी वो लेडी ग्रे को एक नाइफ से स्टैब करके उसे दीवार में अटका देती है, और बाद में उसके सामने उसकी पेंटिंग ले जाती है, जिसे देखने के बाद ग्रे का मैजिक खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसके बाद उस एजेंट पर एक सूट पहना आदमी अटैक कर देता है, और उस आदमी के पास एक आग उगलने वाली मशीन थी, जिसके जरिए वो वहाँ पर आग उगलता जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर इनविजिबल आदमी आ जाता है, और वो एजेंट को बचाने के लिए उस सूट पहने आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उस इनविजिबल आदमी की बॉडी पर भी आग लग जाती है। फिर वो एजेंट उस सूट पहने आदमी पर अटैक कर देता है, और ऐसा करने के बाद वो एजेंट वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि उस सूट पहने आदमी की बॉडी पर होल हो गया था, इसीलिए वो भी जलने से मर जाता है। एजेंट बाहर आकर देखता है कि इनविजिबल आदमी की पूरी बॉडी जल चुकी है और वो मर रहा है, और देखते ही देखते ही वो इनविजिबल आदमी भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलन और मिशन के लीडर की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन मिशन का लीडर एलन को गोली मार देता है, और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जंप लगाकर भाग जाता है, और
इतनी ही देर में वहाँ पर एजेंट आ जाता है और एलन उस एजेंट को कहते हैं कि जल्दी से तुम इस मिशन के लीडर को शूट कर दो। जिस पर वो एजेंट कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि वो काफी दूर जा चुका है, लेकिन एलन की बात मानकर वो बहुत ध्यान लगाकर शूट कर देता है, जिससे मिशन का वो लीडर भी वहीं पर ही मर जाता है। और फिर देखने पर उसे पता चलता है कि एलन भी अब मर चुके हैं। फिर वो लोग सारे कैदियों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल कर उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं। इस मिशन में उनके दो सीनियर लोग मारे जा चुके थे। फिर वो लोग कैप्टन के शिप के जरिए पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से अभी तक वो छुप कर ही रह रहे थे, लेकिन अब वो आजाद रहेंगे। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।